इंस्टाग्राम का रोजल्स बनाना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद से बहुत ही सुंदर इंस्टाग्राम का रोजल्स बना सकते हो जो कि तुम अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हो या फिर एज अ टेम्पलेट बना के सेल कर सकते हो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू बट इतना गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद तुम इंस्टाग्राम का रोजल्स बनाना ज़रूर सीख जाओगे बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हारे लिए मैं लाता रहूँगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये सारा मेहनत पानी में जाएगा तो प्लीज सब्सक्राइब अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तुम लोगों को ओपन करना है कैनवा डॉट कॉम जैसे ही तुम लोग कैनवा डॉट कॉम के होम पेज पे आ जाओगे सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएटर डिजाइन टॉप राइट कॉर्नर पे जैसे ही तुम इसको क्लिक करोगे यहां पे कस्टम साइज को तुम सेलेक्ट कर लेना ओके। okay. अब यहां पे तुम्हें विथ और हाइट डालने के लिए बोला जाएगा तो इंस्टाग्राम करोजल्स जो यूजली होता है उसका जो सिंगल पेज का विथ और हाइट होता है थाउजेंड एट्टी और थर्टीन फिफ्टी ओके मतलब एक सिंगल फोटो का विर्थ होता है थाउजेंड एट्टी और हाइट होता है 1350 तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ पांच फोटो का लेयर एक साथ बनाता हूँ ओके और इन केस अगर मुझे पांच के जगह दस करना हो तो मैं उस पेज को डुप्लीकेट कर सकता हूँ वो मैं आगे जाकर तुम्हें वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले अगर तुम्हें एक सिंगल पेज लेना है तो तुम करोगे थाउजेंड एट्टी में और हाइट में करोगे थर्टीन ओके बट हम यहाँ पे एक सिंगल पेज नहीं ले रहे हैं मैं यहाँ पे एक साथ पांच पेज लूंगा ओके तुम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो बस जितने पेज लोग तुम्हें मल्टीप्लाई करना है ओके तो मैं पांच पेज का लूंगा तो मैं इसको करूंगा फाइव फोर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइव फोर जीरो जीरो आएगा ओके एंड हाइट तुम्हारा रहेगा थर्टीन फिफ्टी ओके और यहाँ पे तुम लोग पी एक्स सेलेक्ट कर लेना ओके अब यहाँ पे तुम लोग क्रिएट डिजाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक दूसरा विंडो पॉपअप हो जाएगा यहाँ पे क्लिक करो ओके अब तुम्हारे सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जिसका डायमेंशन तुम देख सकते हो फाइव फोर डबल जीरो थर्टीन फिफ्टी ओके तो ये देखो ये है इसका विथ और ये है इसका हाइट ओके एंड यहाँ पे तुम साइड में देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है टेम्पलेट्स एलिमेंट अपलोड टेक्स्ट स्टाइल्स लोगोस और मोर ओके okay. ये बेसिक टेम्पलेट्स है जो कि कैनवा पहले से तुमको प्रोवाइड करता है बट हम इसको नहीं देखेंगे हम लोग खुद का स्क्रैच से डिजाइन करेंगे ओके okay. ओके अब कुछ भी करने से पहले सबसे पहला जो तुम्हारा काम है वो है वो ग्रिड ग्रिड लाइंस लाइंस देना okay. हम लोग क्यों देते हैं बिकॉज जब हम स्क्रोल करने टाइम किसी फोटो को देखते हैं उसका डायमेंशन थोड़ा सा छोटा रहता है बट जब हम उसको क्लिक करते हैं तो वो फुल साइज में आता है तो ये जो अगर तुम देख रहे हो तो ये एक फुल साइज इमेज है जो थर्टीन 50 पिक्सल्स का जो हाइट है ये फुल साइज में देखेगा बट जब तुम होम पेज में इसको देखोगे तो उसका हाइट छोटा रहेगा ओके okay? तो उसके लिए हमें ग्रिड लाइन बनाना चाहिए ताकि हम लोग मैप कर पाए कि कौन सा एलिमेंट हम लोग कहाँ पे पुट करें ओके तो सबसे पहले तुम लोग ऊपर यहाँ पे फाइल्स में चले जाओ एंड मेक श्योर शो रूल्स एंड गाइड्स इस पे टिक रहे ओके okay? ये मेरा पहले से टिक है तो तुम लोग भी ऐसे टिक कर लेना राइट right? अब तुम इस साइड में आओ और माउस का कर्सर सबसे पहले तुम यहाँ पे रखो थाउजेंड एट्टी में ओके okay? यहाँ पे तुम्हें ऊपर दिख जाएगा नंबर थाउजेंड सेवेंटी नाइन ओके मतलब अप्रॉक्स रखना कोई दिक्कत नहीं है अब थाउजेंड एट्टी के बाद हम लोग उसका डबल करेंगे तो कितना होगा टू वन सिक्स जीरो ओके तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे टू वन सिक्स जीरो राइट अब सिमिलरली हम लोग इसको भी करेंगे थ्री टू फोर जीरो और इसको हम लोग करेंगे फोर थ्री टू जीरो अब जो ये तुम देख सकते हो ये लाइंस डिफरेंट फोटोज को सिंबलाइज करता है जैसे ये एक फोटो है ये दूसरा फोटो ये तीसरा चौथा ये पांचवा फोटो ओके पांच फोटोज जूम इन करने के बाद तुम लाइंस को एडजस्ट कर लेना अब हम लोग सबसे पहले इस इमेज का बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे तुम लोग प्लेन व्हाइट भी रख सकते हो ब्लैक रख सकते हो या फिर अगर तुम्हारा कोई पर्सनल ब्रांड है उसका कोई कलर थीम है

तुम वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो तो आज मैं जो डिज़ाइन बनाने वाला हूँ उसके लिए मैं ये कलर पैलेट चूज करता हूँ जिसका बैकग्राउंड मैं ये रखूंगा और टेक्स्ट का कलर में मैं ये वाला कलर यूज़ करूंगा और ये है इसके कलर कोड्स जो ये तुम देख रहे हो तुम यहाँ पे डिरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हो इन कलर कोड्स को और कैनवा में डरेक्ट इसको पेस्ट करके उस कलर का यूज़ कर सकते हो तो चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं अब हम लोग जाते हैं कैनवा पे अब कैनवा पे जाने के बाद तुम लोग इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे उस कलर कोड को पेस्ट कर दो पेस्ट करने के बाद तुम्हें ये दिख रहा होगा ये वाला कलर तो देखो तो 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 ये वाला कलर बैकग्राउंड में आ चुका है अब हम लोगों ने वर्टिकल लाइंस तो सिलेक्ट कर लिया है बट अब हमें हॉरिजिनटल लाइंस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा तो उसको करने के लिए सबसे सिंपल वे ये है कि आप एलिमेंट्स में चले जाओ एलिमेंट्स में जाने के बाद लाइंस एंड शेप में स्क्वायर को सिलेक्ट करो और स्क्वायर को सबसे कॉर्नर पे तुम रख दो एंड इसे ऐसे करके बड़ा कर लो जब तक ये लाइन पे टच नहीं हो जाता ये टच हो गया अब तुम्हें क्या करना है इस पे क्लिक करना है और पोजीशन पे क्लिक करना है और इसको पोजीशन करना है मिडिल में अब ये मिडिल में पोजीशन हो चुका है अब तुम्हें सिंपली क्या करना है यहाँ से लाइन लेना है और तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप करना है ये पहला लाइन ड्रॉप हो गया एंड एक और लाइन लो एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दो ड्रॉप करने के बाद इस स्क्वायर को तुम लोग डिलीट कर दो। अब तुम लोग देख सकते हो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस दोनों बन चुका है तो ये बीच का पार्ट जो तुम लोग देख रहे हो ये है तुम्हारा कैनवस तो ये पर्टिकुलर पार्ट तुम्हारा दिखेगा होम पेज में और जब कोई इस फोटो पे क्लिक करेगा तब उसे ये पूरा पेज दिखेगा उससे पहले जहां तक तुम्हें ये लाइंस दिख रहे हैं होम पेज में बस उतना ही पोर्शन फोटो का दिखेगा तो तुम जो भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करोगे तो मेक श्योर sure ये इस लाइन के बाहर ना जाए तो अब हम लोग ऐड करते हैं टेक्स्ट एलिमेंट्स अब तुम लोग चले जाओ टेक्स्ट पे या फिर तुम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो बस अपने की में टी भी प्रेस करोगे तो तुम्हारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग ऐड करना है तो सबसे पहले मैं हेडिंग ले लूंगा और हेडिंग में मैं आज जिसमें कोरोजल्स बनाने वाला हूं उसका हेडिंग में देने वाला हूँ एट बेस्ट मैक ओएस यूटिलिटी एप्स तो सबसे पहले 0, लिखो एंड एंड इसको and कर दो और सबसे ऊपर तुम देखोगे यहाँ पे तुम अपने फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स को तुम यूज कर सकते हो यहाँ पे देखो बहुत तरह के फ़ॉन्ट्स है तुम्हें जो यूज करना है तुम वो यूज कर सकते हो तो मैं इस पर्टिकुलर केस में इसको यूज करूंगा हाई टाइट जोमेट्रिक अब फिर से एक हेडिंग देंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेस्ट मैक OS. ले जाओ यहाँ पे अलाइन कर दो एक और हेडिंग दे दो तो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग यहाँ पे देख चुके हो अब देखो हेडिंग तुम लोग अपने हिसाब से जो भी तुम्हारा कंटेंट रहेगा तुम वो दे सकते हो मैं अभी पर्टिकुलर तुम लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बस बता रहा एंड ऑलवेज ट्राई पे दो फॉन्ट का यूज करना दो या मैक्सिमम अगर तीन करना चाहो तो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि मैक्सिमम दो फॉन्ट तुम यूज करना तो जहाँ पे अभी मैक ओएस जो है इसका फॉन्ट में डिफरेंट करूंगा तो इसका फॉन्ट में चेंज करके करता हूँ ये वाला और यूटिलिटी एप्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। तो ये हम लोग का हेडिंग बन चुका है बट अब इस हेडिंग के कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो चले जाओ तुम अपने कलर पैलेट में एंड इसको सिलेक्ट कर लो ओके okay? इस पे क्लिक करो जीरो को मैं इसका कलर चेंज करता हूं तो तुम यहाँ पे जाओ क्लिक करो सिंपली इसको पेस्ट कर दो एंड चूज दिस कलर तो अब देखो बहुत ही अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट आ रहा होगा तुम लोगों को right. राइट अब चलो इसको और थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं बिकॉज ये तुम्हारा हुक रहेगा ये जो फ्रंट पेज है ये सबको सबसे पहले दिखेगा तो इसको बहुत ही सुंदर बनाना है तो अब तुम लोग चले जाओ एलिमेंट्स में और एलिमेंट्स में तुम लोग सर्च करो 3D अवतार अब तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे सामने बहुत सारे थ्री डी अवतार है जो कि तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो तो ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो चलो इसको यहाँ पे मैं पुट कर चुका हूँ भी अवतार या कोई भी एलिमेंट यूज करते हो तो ऑलवेज ट्राई ये जो ग्रिड लाइन है इसके थोड़ा सा बाहर दिखे ताकि इंस्टाग्राम में जब ये स्क्रोल होगा ना तो तुम्हें दिखेगा ये साथ साथ जा रहा है तो इफेक्ट बहुत अच्छा आता है तो इसको हल्का सा ग्रिड लाइन से बाहर ही रखना अब कैनवस को हम लोग और थोड़ा सुंदर बनाने का कोशिश करते हैं अभी ये बहुत ज्यादा प्लेन दिख रहा है अब तुम लोग एलिमेंट में टाइप करो ग्रेडियंट ओके okay? अब देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं जो कि तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो तो तुम लोग चले जाओ ग्राफिक्स वाले सेक्शन में एंड देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ग्रेडियंट्स दिख जाएंगे जो कि तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो तो चलो एक एक करके मैं इसको पुट करता हूँ एंड मेक श्योर कि तुम लोग बहुत ज्यादा ग्रेडियंट्स को या फिर बहुत ज्यादा ब्लॉब्स को यहाँ पे पुट ना करो ऐसा पुट करो कि थोड़ा एस्थेटिक लगे देखने में तो जैसे ये वाला एस्थेटिक लग रहा है तो इसको चूज करो एंड इसको यहाँ पे सिंपली रख इसको चूज कर लो मेक इट हेयर इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो Also choose this and put it here. Okay. तो अब तुम लोग देख सकते हो ये कैनवस अब थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लग रहा है तो तुम लोग अपने हिसाब से ग्रेडियंट ब्लॉब या फिर और भी एलिमेंट्स अगर डालना हो तो तुम और भी एलिमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो अब यहाँ पे तुम लोग इसको करो zoom एंड zoom करके यहाँ पे सबसे नीचे तुम्हें अपने इंस्टा हैंडल या फिर जो भी तुम्हारा नाम है वो यहाँ पे पुट कर दो एंड यहाँ पे एक स्वाइप का टेक्स्ट पुट कर दो अब ये प्रियांशु डॉट नाग अंडा क्या है किस चीज़ का हैंडल है तो इंस्टाग्राम का है तो हम लोग यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का लोगो भी पुट करेंगे तो एलिमेंट्स में जाओ एंड सिंपली टाइप इंस्टाग्राम एंड सिलेक्ट दिस लोग इसका कलर तुम लोग चेंज कर दो इसका कलर कर दो वाइट एंड मेक इट स्मॉल एंड उसको सिंपली यहाँ पे पुट कर दो ओके सो दिस लुक्स गुड एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे स्वाइप अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्वाइप एंड ऑलवेज मेक श्योर कि इसका जो साइज़ है सेम यहाँ पे भी जब तुम स्वाइप लिखोगे सेम साइज होना चाहिए तो इसको करने के लिए तुम लोग अल्ट प्रेस करो एंड सिंपली इसको ड्रैग कर लो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे अलाइन होके तुम्हारे सामने आ जाएगा यहाँ पे इसको छोड़ दो एंड इसके जगह तुम लोग लिख दो स्वाइप अब हम लोग यहाँ पे एक एरो ऐड करेंगे ताकि सिंबलाइज हो कि स्वाइप करना है तो एलिमेंट्स में जाओ एंड यहाँ पे टाइप करो एरो नाउ सिलेक्ट दिस वन ओके तो हमारा फर्स्ट पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ये जो तुम देख रहे हो ये दोनों नीचे ये तुम्हें हर एक पेज के नीचे तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है बट वो मैं थोड़ी देर बात करूंगा अभी इसको और थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं फ्रंट पेज को तो सिंपली एलिमेंट्स में चले जाओ एंड सर्च करो स्मोक गो टू ग्राफिक्स एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्मोक के इफेक्ट्स तुम्हें दिख जाएंगे जो कि अगर तुम कॉर्नर पे पुट करोगे तो वो बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से सिंपली तुम लोग कुछ भी चूज कर सकते हो या फिर कोई और एलिमेंट तुम लोग चूज कर सकते हो तुम लोग एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से करना मैं बस यहाँ डिफरेंट एलिमेंट इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल जाए तुम लोग यहाँ पे कुछ भी और पुट कर सकते हो बट लेट्स मैं यहाँ पे स्मोक पुट करना चाहता हूँ ओके okay, तो लेट्स सिंपली चूज दिस वन This one looks good. इसको थोड़ा छोटा कर लो एंड थोड़ा सा टिल्ट कर दो एंड को कॉर्नर में पुट कर दो तो एज यू कैन सी अब ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से एलिमेंट्स यूज कर सकते हो अपना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर पेज तुम्हारा आई कैची होना चाहिए तो इसको तुम और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो बट एज ऑफ नाउ मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ बट इफ यू विल से कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगा नहीं मैं स्लाइटली चेंजेस लाऊंगा बट इन एंड आउट तुम लोग समझ सकते हो कि फ्रंट पेज कैसा दिखना चाहिए ओके okay, अब तुम लोग अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको डिजाइन करना अगर तुम कैनवस को ध्यान से देखोगे तो अभी भी थोड़ा सा ब्लैंक दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा और डिजाइन एलिमेंट हम लोग एड कर सकते हैं तुम लोग सिंपली एलिमेंट्स में चले जाओ एंड टाइप डॉटेड डॉटेड एरोस अब यहां से तुम लोग को एरो कर सकते हो ओके लेट्स चूज दिस वन इसको थोड़ा सा छोटा कर दो एंड इसका कलर भी तुम लोग चेंज कर दो कलर आई विल चूज दिस वन जो कि ये जीरो एट का कलर है इट विल गिव यू नाइस कॉन्ट्रास्ट नाउ सी ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लुक दे रहा है नाउ सिंपली चूज दिस एंड ल्ट करके इसको ड्रैक कर लो ताकि एक और बना सको एंड इसे कर दो तुम लोग फ्लिप ओके एंड सिंपली यहाँ पे एक पुट कर तो चलो कैनवास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है अब हम लोग कॉन्टेंट के बारे में सोचते हैं ओके okay, कॉन्टेंट को कैसे पुट करें तो कॉन्टेंट देखो तुम लोग बहुत तरीके से पुट कर सकते हो या तो सिंपली टेक्स्ट होगा या तो फोटो होगा टेक्स्ट होगा या फिर कोई ग्राफिक इमेज होगा तो मैं दोनों का कंबाइन करके तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं इसलिए मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट किया तो एट बेस्ट मैक ओ एस यूटिलिटी ऐप तो इसमें मैं क्या करूंगा वेबसाइट का फोटो रहेगा और नीचे उस एप का डिस्क्रिप्शन रहेगा राइट right. अब तुम लोग अपलोड्स में चले जाओ एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो पहले से ही मैंने सारे ऐप्स का स्क्रीन शॉट लेकर रखा हुआ है ओके okay? तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा बट डायरेक्टली इसको अगर तुम लोग पुट करोगे तो वो उतना सुंदर नहीं दिखेगा बिकॉज ये एक स्क्वायर शेप का है एंड ये एस्थेटिक बिल्कुल नहीं दिखता है तो सबसे पहले कोई भी इमेज पुट करने से पहले हमें फ्रेम का यूज करना चाहिए तो सिंपली एलिमेंट्स में जाओ एंड यहाँ पे लिखो फ्रेम अब देखो तुम्हारे सामने बहुत सारे फ्रेम्स ओपन हो चुके हैं तो सिंपली हम लोग एक एस्थेटिक सा फ्रेम चूज करते हैं ये वाला जिसका कॉर्नर थोड़ा सा राउंडेड है इसको सिलेक्ट कर लो एंड थोड़ा सा छोटा कर दो, इसे यहां पे कर दो दो इसे पे पुट ओके तो ये तुम्हारा फ्रेम बन चुका है और वो पर्टिकुलर फोटो जो मैंने यहाँ अपलोड्स में लगा के रखा है वो यहाँ पे डायरेक्टली चला जाएगा तुम्हें तो कुछ छोटा बड़ा करना नहीं पड़ेगा सिंपली इस फोटो को क्लिक करो एंड यहाँ पे बस इसके सामने ले आओ ये इसके अंदर चला जाएगा देखो ये इसके अंदर चला गया एंड अगर तुम इसको जूम करके देखोगे तो ये थोड़ा एस्थेटिक लग रहा है कॉर्नर्स थोड़ा राउंड है अब चलो इसका नेम और डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हमेशा याद रखना फॉन्ट हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए तुम्हारे पूरे पेज में तो मैं हेडिंग के लिए ऐप के नेम के लिए ये वाला फॉन्ट यूज़ करूंगा और डिस्क्रिप्शन के लिए ये वाला फॉन्ट तो सिंपली यहाँ पे जाओ अल्ट क्लिक करो एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर लो ओके okay. और इसको नेम दे दो ये बन गया हेडिंग और तुम लोग चले जाओ टेक्स्ट में और यहाँ पे ये वाला सबसे नीचे वाला करो सो दिस इज योर डिस्क्रिप्शन इसका कलर चेंज कर लो इसका ये कलर दे दो सो so, ये रहा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ये इसका डिस्क्रिप्शन रहा सिमिलरली तुम्हें सारे पेजेस में यहाँ पे तुम्हें फ्रेम लगाना है फिर उसका हेडिंग देना है फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है ये इस पर्टिकुलर करोजल्स के लिए और अगर तुम लोगों के किसी तरह के फोटो का यूज नहीं करना है बस टेक्स्ट लिखना है तो तुम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो बट ऑलवेज मेक श्योर कि जो फॉन्ट है वो यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द पेज ओके सो नाउ यू विल से कि यहाँ पे एट ओएस यूटिलिटी एप्स है बट यहाँ पे पेजेस बस पांच है पांच में भी यहाँ पे फ्रंट पेज एक होता है और एक एंडिंग पेज भी होता है मतलब टोटल हमें चाहिए दस Page. तो सिंपली कुछ नहीं करना है इसको डुप्लीकेट करना है ये वाला देखो तुम्हें पेज दिखेगा, इसको डुप्लीकेट कर लो जैसे ही तुम इसे डुप्लीकेट करोगे सेम तुम्हारा ऐसे नीचे क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पे तुम अपना कंटेंट पुट कर सकते हो अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है इसको तुम लोग डिलीट कर दो ओके okay? और यहाँ पे तुम्हारा कॉन्टेंट रहेगा और ये तुम्हारा एंड पेज रहेगा तो अब चलो मैं इसको कंप्लीट करके तुम लोगों को दिखाता हूं तो कैज मैंने इसे कंप्लीटली डिजाइन कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे कॉन्टेंट यहाँ पे डाल दिया है सेम जैसा आपके सामने मैंने किया था सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है यहाँ पे फोटो दिया है फिर नीचे उसका हेडिंग फिर डिस्क्रिप्शन और मैंने यहाँ पे कुछ कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी किया है जैसे यहाँ पे ये फॉग को थोड़ा डिफरेंट वे से पुट किया हूँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैं ब्लॉग ऐड किया हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड किया हूँ ओके तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और अगर आप नीचे देखोगे हर एक पेज में मैंने यूज़र नेम और स्वाइप का ऑप्शन दे दिया है ओके सिंपली ये आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो या फिर इन दोनों को चूज करके अल्ट प्रेस करके ड्रैग कर सकते हो और मैंने यहाँ पे एक और चेंज किया है यहाँ पे आप पेज नंबर भी ऐड कर सकते हो तो इसको करने के लिए आप सिंपली एक सिलेंडरकर एलिमेंट चूज कर लो एंड यहाँ पे पुट कर दो एंड सिंपली जीरो वन पेज नंबर लिख दो एंड यहाँ पे एक और थ्री डी एलिमेंट मैंने पुट कर दिया है जस्ट फॉर एस्थेटिक्स आप अपने हिसाब से डिजाइन को चूज कर सकते हो अब आते हैं लास्ट पेज में कि लास्ट पेज को कैसे बनाना है ओके okay. तो एज यू कैन सी लास्ट पेज में मैंने पर्सनल टच देने के लिए अपना फोटो लगाया है जो कि मैं सजेस्ट करता हूं आप लोग भी यूज करो एंड यहाँ पे कॉल बैक भी दिया है लाइक फॉलो फॉर मोर सच कॉन्टेंट देन यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट डाउन योर थॉट्स लाइक शेयर यहाँ पे एक और सिंबल दे दो लाइक का अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो एंड इसको करने के लिए सिंपली या अपलोड्स में जाओ और देखो तो ये सिंपली एक फोटो था मेरा ग्रीन स्क्रीन था पीछे इसको मैंने फ़ोटोशॉप में एडिट किया था बट अगर आप एक प्रो यूज़र हो कैनवा के तो आप बैकग्राउंड डायरेक्टली यहाँ से भी हटा सकते हो आपको ग्रीन स्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं है बस आप सिंपली फोटो क्लिक करो और अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप बैकग्राउंड हटा सकते हो ऐसे भी और अगर आपके पास कैमरा प्रो नहीं भी है तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि ऑनलाइन आपको ऐसे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो तो जैसे ही आप बैकग्राउंड को रिमूव कर दोगे वो फोटो यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो तो अब मैं इसे जूम इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट कैसा लग रहा है तो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट एंड अब आई थिंक ये रेडी है इंस्टाग्राम में पोस्ट होने के लिए ओके okay, बट ये आप डायरेक्टली इसे इंस्टाग्राम में अपलोड नहीं कर सकते हो आप इस पूरे इमेज को पांच इमेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा स्प्लिट करना पड़ेगा वो कैसे करना है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं बट अब ये कंप्लीट हो चुका है तो यहां पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो ओके एंड यहां पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन पे जाओ एंड मेक श्योर कि यहाँ पे फाइल टाइप पी एन सिलेक्ट हो जो कि हाई क्वालिटी रहता है एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कितने पेजेस मुझे दो पेजेस सिलेक्ट करना है तो मैं वन टू दोनों सिलेक्ट करूंगा ओके एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दो अब फोटो को स्प्लिट करने के लिए तुम लोग इस वेबसाइट में चले जाओ जिसका नाम है पाइल ओके okay? और यहाँ पे तुम लोग सर्च करो स्प्लिट इमेज और यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को क्लिक करो स्प्लिट इमेज अब यहाँ से फाइल को चूज कर लो जैसे यहाँ फाइल को चूज करोगे ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ओके okay? अब यहाँ पे ऑप्शन में आ जाओ यहाँ पे मेक श्योर यू चूज हॉरिजेंटली क्योंकि हॉरिजेंटली हमें स्प्लिट करना है अब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स तो यहाँ पे पांच इमेज है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम लोग कर देंगे फाइव ओके फाइव अब सिंपली हम लोग स्प्लिट इमेज पे क्लिक करेंगे ओके okay? अब देखो यहाँ पे ये सारे इमेजेस स्प्लिट हो चुके हैं सिंपली यहां से तुम्हें ये सारे डाउनलोड कर लेने इसको क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा ये एक एक करके सारे इमेजेस तुम्हारे डाउनलोड हो जाएंगे तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट कैसे करते हैं ओके okay, तो सिंपली क्रिएट पोस्ट में चले जाओ एंड सबसे पहला इमेज तुम्हें चूज़ करना है तुम्हारा हेडिंग उसको चूज़ करने के बाद तुम सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करो एंड सीक्वेंस वाइज तुम्हें डिफरेंट इमेजेस और चूज़ करने हैं जैसे वन के बाद टू देन थ्री देन फोर देन फाइव करते करते टेन तक तुम्हें सीक्वेंस वाइज उन्हें सिलेक्ट करना है ओके okay? अब तुम्हें फिल्टर देने का ऑप्शन आएगा जो कि तुम्हें नहीं देना है या फिर अगर तुम्हें देने का मन हो तो तुम दे सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि फ़िल्टर नहीं देना है अब यहाँ पे तुम लोग अपना कैप्शन दे दो एंड इसे पोस्ट कर दो ओके okay. अब पोस्ट होने के बाद ये तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा तो तुम्हें किसी भी तरह के डिज़ाइन क्वेरी रहे तो तुम मुझे पर्सनली डी भी कर सकते हो एंड तुम लोग अगर खुद का डिज़ाइन बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट करोगे तो वो डिज़ाइन तुम लोग मुझे ज़रूर भेजना नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लो एंड आई विल सी यू लेटर